प्रियंका गांधी आज आजमगढ़ पहुंची। प्रियंका ने सबसे पहले गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और आजमगढ़ के बिलेरियागंज इलाके में सीए के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करने वाले महिलाओं से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। एक बच्ची को रोता हुआ देखा तो प्रियंका गांधी ने उसे अपने पास बुलाया, उससे बात करने लगी और फिर उसे चुप करा करके उसे गले लगाया। प्रियंका गांधी से मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बिलेरियागंज में पहुंचे। प्रियंका के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ये मासूम बच्ची जिसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त रो रही है और प्रियंका गांधी की गोद में प्रियंका गांधी उसे पुचकार रही हैं। दरअसल ये बच्ची वहां पर रो रही थी और तभी प्रियंका गांधी की निगाह उस पर पड़ती है, उसे अपने पास में बुलाती हैं, गोद में लेती हैं और कुछ इस तरीके से गले लगा करके उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं और प्रियंका से बहुत कम्फर्टेबल हो करके ये बच्ची किस तरीके से बात करती हुई दिख रही है। कि तमाम बच्चों को जेल में डाला गया है, भयानक भयानक धाराएं डाली गई हैं और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो उनको इनके एक मौलाना साहब हैं, मौलाना ताहिर मदनी जी, उनको भी जेल में डाला है, जबकि वो एकदम हमेशा सिर्फ अहिंसा की बात करते हैं, कभी हिंसक बात नहीं की है। और वो खुद वहाँ महिलाओं को कहने आए थे कि आप यहाँ से थोड़ी देर में उठ जाइए, महिलाएं मान भी गई थी, वो उठने वाली थी वहाँ से। तो बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है।